नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया। पाकिस्तान संरचित आतंकवाद अब पाकिस्तान पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में थोड़ी देर पहले एक जबरदस्त बम धमाका हुआ है। बम धमाके में 16 लोगों के मारे जाने की सूचना और पाकिस्तान सेना के 4 जवान समेत 20 से ज्यादा लोग घायल है। इनमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि धमाका पाकिस्तान के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके क्वेटा के हजारगंजी सब्जी मंडी में हुआ है। सुबह के वक्त मंडी में काफी भीड़ होने की वजह से मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। धमाका शुक्रवार सुबह करीब 7:35 बजे हुआ। धमाके में IED का इस्तेमाल किया गया है। बम को सब्जी मंडी में आलू के बोरों के बीच छुपा कर रखा गया था। पाकिस्तान पुलिस के अधिकारी अब्दुल रज्जाक चीमा ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि बम धमाका आवासीय परिसर के पास हुआ है, जहां ज्यादातर हजारा समुदाय के लोग रहते हैं। हमले का मकसद हजारा समुदाय के अल्पसंख्यक शिया मुसलमानों को निशाना बनाना प्रतीत हो रहा है। धमाके में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान भी घायल। धमाके की सूचना मिलते ही पाकिस्तानी पुलिस, सेना, खुफिया एजेंसी के अधिकारी समेत सारा अमला मौके पर जुट गया है। धमाके की वजह अभी पता नहीं चल सकी है। पूरे इलाके को जाँच के लिए घेर लिया गया है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में पहुँचाया जा रहा है। जियो न्यूज के अनुसार बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा के हजारगंजी इलाके में हुए इस भीषण बम विस्फोट में जान गंवाने वाले लोगों में से 7 हजारा समुदाय के अल्पसंख्यक शिया मुसलमान हैं। ये इलाका हजारा समुदाय के रिहायशी इलाके में ही है। धमाके की वजह से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। शुरुआत में धमाके में मरने वालों की संख्या 8 बताई जा रही थी। पुलिस के अनुसार अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। हमले के पीछे सुन्नी चरमपंथियों के शामिल होने की आशंका है। सुन्नी चरमपंथियों ने पिछले दिनों इस तरह के हमले करने की चेतावनी जारी की। मालूम हो कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।